जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JR डिफेंस एकेडमी उज्जैन पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी अग्निवीर लिखित परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए हम ऐसी सीरीज चला रहे हैं जिसमें बच्चों को हेल्प मिले। तो उसी पर्पज़ से आज जो मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों से, उस पर हमने स्टडी करी और 15 क्वेश्चन का एक ATS करके यहाँ पर एक सीरीज लेके आए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन हमने दिए हैं ताकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बने। हालांकि ये क्वेश्चन हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में, तो सबसे ज़्यादा IMP क्वेश्चन हमने इस इनमें डाले हैं 15 क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। आप सभी से फिर से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मैथ्स के जो सारे क्वेश्चंस हैं, सारे डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं और ये भी क्लियर हो जाएं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ यही है कि आप मैथ्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके यहाँ पर क्लियर हों, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो कुछ मैथ्स के लगभग ऐसे कुछ टॉपिक्स ही छूटे हैं जो आर्मी GDP में नहीं पूछे जाते या आर्मी अग्निवीर में नहीं पूछे जाते। बट हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हम इसमें सम्मिलित करें जो एग्ज़ाम पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर बात करें कि मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है आपको। तो यहाँ पर आपके मैथ्स जो कवर होता है वो 30 नंबर्स का कवर होता है, टोटल 30 नंबर्स का मैथ्स होता है। तो यहाँ पर मेरा मेन पर्पस यही है कि ये 30 नंबर है, इस 30 नंबर में से लगभग ये मान के चलो कि 90% आप यहाँ पर सोल्व कर सको क्वेश्चन। तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने की, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको 30 में से लगभग 30 नंबर अगर आपको चाहिए तो आप इस ATS सीरीज़ को पूरा देखें। हालांकि 30 में से 30 100% की तो मैं नहीं कह सकता, वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है बच्चों की, बट मेरी कोशिश है कि आपके 30 में से 30 क्वेश्चन सोल्व हों ताकि आपका वेटेज एग्ज़ाम में बढ़ जाए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 4390675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और सबसे पहले इस चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर पर आधारित। तो हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय मान पूछा है आप लोगों से, तो कोई बात नहीं। तो 9 का स्थानीय मान पूछा है ना, तो स्थानीय मान पहले सबसे पता होना चाहिए कि स्थानीय मान होता क्या है ना। स्थानीय मान होता क्या है, स्थानीय मान का मतलब होता है कि संख्या जो उसका आधारित मान होता है, मतलब जैसे 9 के बात करें तो यहाँ 9 किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 के स्थान पर है। तो 10,000 के स्थान पर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको किस तरह से लिखेंगे, हम कुछ भी नहीं करना। आपको देखना है कि 9 के आगे यहाँ पर कितने डिजिट है, कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 डिजिट है तो आपको कितने जीरो लगाना है यहाँ पर, 4 जीरो। तो 9, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो यही क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, अगर संख्या के आगे जितने भी अंक हैं उतनी जीरो लगा दें वो संख्या का स्थानीय मान होगा। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 90,000 क्या है, ये इसकी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है स्थानीय मान ये। पर आपसे अगर पूछे जातीय मान, अगर आपसे पूछें तो जातीय मान क्या होता है, जातीय मान यानी फेस वैल्यू। देखो, फेस वैल्यू अगर पूछे कि 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, जातीय मान वही देता है, जो संख्या है वही उसका जातीय मान होता है। अगर यहाँ से आपको पूछ ले कि 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 है, 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 है, 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 है, ये इस तरह से होगा। बट अगर स्थानीय मान आपसे पूछे तो जितनी भी, मान लो आपको 3 का स्थानीय पूछे, 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 के आगे कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट है मतलब कितनी जीरो लग जाएगी, 3 के आगे 5 जीरो लग जाएगी। तो ये आपका स्थानीय मान हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी
तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या का अंतर बताना आपको, इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो, आपने पढ़ा होगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो इस पे आधारित ही प्रश्न ये बन रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन सोल्व कर लें तो बेहतर होगा, कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो आपको और हेल्प मिलेगी इस टेस्ट सीरीज को करने में। बट मैं सोल्व करवा ही रहा हूँ इस चीज़ को, पर मेरे सोल्व करने से पहले आप सोल्व कर लें इसको रोक कर, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं सोल्व करवा ही रहा हूँ, बट आप सोल्व करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा इसे। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि बड़ी संख्या 99 है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 यानी 10 है। तो यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो 5 अंकों की, देखो 2 अंकों की 99 है, तो 5 अंकों की कौन सी होगी? 5 अंकों की कौन सी होगी? 5 × 9 1, 2, 3, 4, 5, है ना? तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, ठीक है, हो गया ना? 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, 99,999। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखो, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर 10 है, तो 6 अंकों की कौन सी होगी? 100000। कितनी बार? 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये कितना हो गया आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 10,000 और 100,000। 1,00,000 में से 99,999 आपको घटाना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है। तो 1,00,000 में से 99,999 घटाएंगे तो आंसर होगा आपका 1। तो अगर सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर यानी डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आया 1, जो आंसर 1 होगा। ऐसे आपको क्लियर होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन है कि 7777 डिवाइडेड बाय 11, मतलब आपको 7 कितनी बार दे रखा है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार दे रखा है, और भाग लगाना है आपका 11 का। तो क्या होता है? तो ये क्वेश्चन क्यों दे रखा है? अधिकतर ये क्वेश्चन इसलिए दे रखते हैं ताकि आपको एग्जामिनर ये पता करने के लिए कि आपका कैलकुलेशन कैसा है ना? तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि 11 है तो 11 का एक बार गया तो 11 × 11 = 77, फिर 11 × 77 मतलब 777 आंसर हो जाएगा, और वो डी पे लगा के आ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है ना? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बट इस तरह के क्वेश्चन आपने, देखो हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं अधिकतर, इस तरह से हम बचपन में करते आए हैं। कितनी बार लिखा मैंने यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार ये लिखा, और इसको भाग देना आपको 11। हम बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हैं, और इसी तरह से अभी आप इस सवाल को करके देखते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में। हालांकि इस क्वेश्चन को वहीं सोल्व कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। तो देखते हैं 11 का भाग कितनी बार जाएगा 77 में, तो एक बार जाएगा, तो सॉरी 7 बार जाएगा, तो 77 में से 77 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऊपर से आया आपका 7, तो 7 में भाग नहीं जाता 11 का, इसलिए क्या लगती है? 0 लगती है। तो फिर ऊपर से क्या आया आपका? ये 7 निकल के आया ऊपर से, फिर ये 7 निकल के आया, फिर कितनी बार भाग जा रहा है? 7 बार जा रहा है, तो 11 × 7 = 77, फिर आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा आपका? 7 बचा, है ना? यहाँ पर देखो, ये 7 कट, ये 7 ऊपर से नीचे उतरा, फिर 0, ये 7 ऊपर से नीचे आया, ये हट गया, फिर ऊपर से 7 आएगा। देखो ये जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर 0 लगेगी, और फिर ऊपर से फिर एक बचा ये 7, ये आ जाएगा, तो फिर क्या जा रहा है आपका? 11 × 7 = 77। फिर एक बार क्या होगा आपका? 7 बार ये चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आया अपना? 70707, हाँ, ये अपना ए वाला, ठीक है। जब इस तरह की एक सीरीज मिले किसी भी क्वेश्चन में और आपको बोले, तो देखो यहाँ पर आपने इस तरह से क्वेश्चन कर रखे होंगे, तो ऊपर से एक ही संख्या नीचे उतरती है, ऊपर से एक ही संख्या नीचे आती है। हाँ, अगर उस संख्या में भाग नहीं जाता है इस संख्या का, तो क्या करते हैं? फिर अगली वाली संख्या लेते हैं। बट अगर अगली वाली संख्या लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर ही आपका ये होगा। देखो, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 11 का गुणा
इस 11 का गुणा अगर इसमें आप करोगे तो आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो ये क्या है, इसे प्रूव हो जाता है कि ये अपना आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको रूट से रिलेटेड, तो ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है, आपका एग्जाम पर्पज से वेरी IMP क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बहुत सरल तरीका है इनको करने का। बस आपको क्या देखना है, जब बराबर के इधर कोई इक्वेशन है और बराबर के इधर कोई इक्वेशन है तो वो क्या होती है, आपस में जो ऊपर वाला जो रहता है और जो नीचे वाला, इधर का जो नीचे वाला पार्ट रहता है, वो इन दोनों का गुणा होता है, आपस में परस्पर गुणा हो जाता है। तो ये तिरेक गुणा करना है आपको, जब एक्स या किसी भी एक्स वाई जेड किसी की भी आपसे वैल्यू पूछे तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए तो क्या करना है, तिरेक गुणा करना है। तो 1200 अंडर रूट 1296 गुणा कितना हो जाएगा, 2.25 इजिकल टू एक्स का, एक्स मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स का स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा और 1296 मल्टीप्लाई 2.25। इस तरह से आपको देखना है, कुछ भी नहीं करा मैंने, तिरेक गुणा करा है। अब आपको देखना है 1296 में ये किसका वर्गमूल है, ये 36 का है, किसका है। आप इसको एक भाग विधि से भी कर सकते हैं, इस तरह से निकाल के देख लेना, अगर आपको भाग विधि आती है तो इस तरह से निकलता है ये, पहले 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर जोड़े बनेंगे और ये 36 है। इसका बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, बट अभी ये देखते हैं कि इसका 36 ये वाला है, ठीक है, क्योंकि 36 का इंटू 36 में करोगे, 36 का स्क्वायर करोगे तो 1296 निकल गया। ये 36 का है 2.25 और 2.25 यहाँ पर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा आपका, दशमलव के इधर कितने जीरो हैं, इतने डिजिट हैं 2, तो ये 100 हो जाएगा। अब 225 किसका स्क्वायर है, 225 से 15 का है ना, 15 का स्क्वायर करेंगे, 5 में 25 और 1 का गुणा 2 में 225, तो ये 15 का स्क्वायर है तो 15 × 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर है, बटे में जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है, और जो 36 हमारा निकल गया है ये 36 का है, और 6 का ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, ये आपको ध्यान रखना। अब इधर क्या है, x का स्क्वायर, और जब आप इधर क्या करते हैं, जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो दोनों तरफ क्या लग जाता है आपका, अंडर रूट लग जाता है। मैं इसको यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ आपको, जब इस वाली इक्वेशन और बराबर के इधर अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है आपका, अंडर रूट लग जाता है। अंडर रूट में अगर आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस गुण मल्टीप्लीकेशन 15 का स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर इजिकल टू एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। जब अंडर रूट हटेगा तो सब चीज़ें बाहर आ जाएगी, 6 का जिसका स्क्वायर है 6 बाहर आ जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा और नीचे 10 बाहर आ जाएगा और इधर एक्स बाहर आ जाएगा। तो तब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 15 का गुणा 6 में करेंगे तो 90 बटा 10 और 10 से इसको करेंगे तो 9 इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो 9 है क्या हमारा, सी ऑप्शन हमारा। तो देखो ये बिल्कुल सरल तरीका है, आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनका तिरेक गुणा करना है, तिरेक मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फिर क्या करना है, इस तरह से आपको रखना है, बराबर से उधर एक से है, बराबर के इधर ये सारी इक्वेशन है, तो इनको अंडर रूट से बाहर निकालना है, फिर एक्स स्क्वायर हटाने के लिए, क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स हटाएंगे तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे और दोनों तरफ अंडर रूट करने के लिए जो अंदर से बाहर संख्या आ जाएगी, जो जोड़े के रूप में निकलेगी, जैसे 6 दो बार है, 15 दो बार है, 10 दो बार है, तो बाहर निकल के आ गया, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आर्मी में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तो इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछे गए, क्योंकि दशमलव ये बिल्कुल बेसिक से, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला आपको कि देखो जोड़ है और अगर एडिशन आपको दे रखा है कोई दिक्कत, तो आपको दशमलव का है ना, डेसिमल का, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का मल्टीप्लिकेशन, दशमलव का घटाओ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे, पर यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, जोड़ दे रखा है, तो जोड़ करके देखते हैं 987.653 और इसमें जोड़ना है आपको, अब देखो अब ये वाली संख्या इसमें जोड़ना, तो 15 कहाँ से शुरू कर, दशमलव से स्टार्ट करते हैं ये वाली संख्या, ठीक है, फिर दशमलव के इधर से है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 और 1
पॉइंट दशमलव के इधर से स्टार्ट करते हैं 963। लिखने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि दशमलव से इधर लिखना चालू करेंगे, दशमलव से इधर लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ पर 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी इधर से जोड़ेंगे 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 1 6 और 5 11 का 1, हंसिला 1, 6 और 1 7, 9 और 6 16 का 6, दशमलव हंसिला 1, 7 और 1 8, 8 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 13 के 3, 8 और 1 9, 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10, ये आपका आ गया 1003.616, ये वाला आंसर आपका है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जब दशमलव है तो दशमलव के इधर से स्टार्ट होगा और दशमलव के इधर से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने 15, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं जैसे 987, तो ये 15 है तो यहाँ से लिख देंगे 15, ये गलत तरीका होगा आपके लिखने का, ठीक है, ये तरीका गलत होगा। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटू 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 इंटू 7 का एलसीएम निकालना है आप लोगों, तो क्या होगा एलसीएम, देखो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, पहले से ही फैक्टर कर रखा। अब आपको सिंपल, आपने अगर क्वेश्चन करे होंगे तो सिंपल जैसे 24 12 16 इनका एलसीएम निकालना होता आपको, कि इनका एलसीएम निकाल के बता दीजिए कि क्या होगा एलसीएम, है ना। तो हम क्या करते हैं कि 24 12 को फिर ऐसे 24 12 6 और इस तरह से फिर भागीदी से निकालते हैं और एलसीएम निकल जाता है। बट आप इस तरह से आपने क्वेश्चन अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं आपके पास तो क्या करना रहता है, यहाँ पर देखो पहले से ही क्या करा इनको, फैक्टराइज कर रखा है, पहले से इनको तोड़ के रखा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब एलसीएम आपसे पूछा है लघुतम ऐसी संख्याओं का, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि कॉमन क्या है, क्योंकि एलसीएम में क्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, तो कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, और उसके बाद देखना है आपको कि बाकी जो है वो देखना है अदर। तो कॉमन क्या है इसमें, 3 और 5 कॉमन है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 दो कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन है, जो कॉमन है वो ले लिया, अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, अब जो बचा है वो लिख लेंगे। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, तो 2 गुणा गुणा, ये मैंने सिस्टमेटिक लिखा है, 2 के बाद 3 5 7, ठीक है, इस तरह से। तो जब एलसीएम आपसे पूछा जाए तो कॉमन देखना है, कॉमन क्या है दोनों में, वो कॉमन लिख लेना है एक बार, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वही होगा फाइनल, और जो बाकी बचा वो आपको लिख लेना है इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 × 3 × 5 × तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन है तो दोनों में क्या क्या कॉमन है वो लिख लेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 और देन बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:5 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 10:3 हो, तो ए रेशियो डी का मान क्या हो। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको पता करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि पूछा क्या है। तो पूछा है ए रेशियो डी पूछा है, तो ए रेशियो डी पूछा है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से ए रेशियो डी का मान निकालते। तो कैसे, जैसे ए रेशियो ए बटा बी के रूप में लिख सकता हूँ, इसको a बटा b लिख सकता हूँ, हाँ, फिर मल्टीप्लिकेशन b बाय c मल्टीप्लिकेशन c बाय d रेशियो। अब देखो जब इस तरह के फॉर्म में हो तो आपको पता है कि ऊपर वाली नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करती है, तो ऊपर b है तो नीचे भी b है तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे c है ऊपर c है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा a और नीचे क्या बचा d, तो ये ऊपर a बचा नीचे क्या बचा d। तो जब इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे तो हमें a रेशियो d मिल जाएगा, a अनुपात d मिल जाएगा। अब हमें पता है कि a बटा b क्या है, 2/3 और b बटा c है आपका 6/5 और c बटा d है आपका 10/3, ठीक है, क्योंकि देखो ये जिस तरह से ये बना था तो a बटा d आ गया था, तो ये भी a बटा d आना चाहिए, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 × 6 = 2, फिर क्या कैंसिल हो रहा है आपका, फिर 5 × 5 = 2, ये तो ये हो गया कैंसिल आपका। अब ऊपर क्या बचा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब ऊपर जो बचा 2 × 2 × 2 और बटा में 3, 2 × 4 = 8, 8/3, तो ये a अनुपात d का वैल्यू आ गया, मतलब a रेशियो d आपका क्या आ गया, 8:3, ये आपका कहाँ है आपका b,
बी वाला ऑप्शन आपका राइट। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपको आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या पूछा गया है और इसको पूछेंगे तो किस तरह से इसका ए रेशो डी निकल के आगे कुछ भी पूछ लें आपसे तो एक इक्वेशन बना के उसको सोल्व करना है। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि अब परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है आप लोगों की। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लेके आएँ और आपको सोल्व करवा दें। और अंत समय में लाने का पर्पज़ भी यही है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ रखा है उसका रिवाइज ही करना है आप लोगों। अगला देखते हैं, एक संख्या का दो तिहाई उस संख्या के 40% से 16 अधिक है तो वह संख्या क्या है। ये संख्या बेस्ड क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देख ली, देखो जो जो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले वही आपको एज इट इज आपको वो चीज़ें जमाना आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का दो तिहाई उस संख्या के 40% से 16 अधिक है। अब हमें संख्या तो पता नहीं है, मान लीजिए कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, जिसे मैंने माना कि वह संख्या क्या है, कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, मानो संख्या एक से है और फिर वो संख्या लेके हम सारा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि उस संख्या का दो तिहाई, तो x का वो संख्या एक से है उसका दो तिहाई यानी 2/3 उस संख्या के 40% से 16 अधिक है। मतलब ये जो है x का 2/3 ये इस संख्या का x का 40% से 16 अधिक है, अधिक है यानी प्लस जुड़ जाएगा। तो x का 40% निकालेंगे और उसमें 16 जोड़ देंगे जो किसके बराबर होगा, x का 2/3 निकालेंगे, मतलब x का 2/3। हाँ ठीक है, आगे करते हैं इसको। तो क्या होगा पहले सोल्व कर लीजिए। तो x का मतलब 2, इसको सोल्व करते हैं, 2x/3 इज इक्वल टू x का 40%। कैसे लिखेंगे उसको, x का 40%, x का 40% यानी 40%, तो 40/100 प्लस 16। तो यहाँ पर कितना x हो गया, 40x, ये 2x। अब यहाँ पर कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, हाँ कैंसिल हो रहा है, 20 × 40, 20 से बन जाएगी 100, 2/5। तो 2/5 यानी 2x/3। तो अभी x x की वैल्यू एक तरफ हो जाएगी, बाकी वैल्यू एक तरफ हो जाएगी। तो 2x/3 माइनस ये इधर उठ के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x/5 इज इक्वल टू, उधर क्या बचा आपका, उधर बचा आपका 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2x/3 माइनस 2x/5 है। तो अब क्या करेंगे इनका, इनका हम क्या करते हैं, भिन्न, ये भिन्न है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं आगे करवा रहा हूँ, यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा आपको, कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर 3 और 5 दे रखा है, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 15, तो 15 आया। फिर 3 का भाग 5 में देते हैं, कितनी बार जाएगा, 15 में 5 बार, 5 का गुणा फिर 2 में होगा, तो 5 × 10x माइनस, फिर 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 का गुणा, 3 का गुणा किस में होगा, इसमें 2 में, तो 3 × 6 6x इजिकल टू, उधर क्या बचा आपका, 16। यहाँ तक तो आप लोगों को आया होगा समझ में, क्या करा हमने यहाँ पर इनका, क्या इसको सोल्व किया पहले। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आया 15, फिर 3 का भाग 15 में देंगे और जो आएगा उसका ऊपर गुणा करेंगे, फिर 5 का भाग 15 में करेंगे और जो आएगा उसका 2 में गुणा करेंगे, ये हो गया। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका, 10x में से 6x गया तो 4x, और ये 15 उठ के किधर चला जाएगा, इसके गुणे में चला जाएगा, तो 15 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 16। फिर x, अब ये 4 क्या है, इसके बटे में आ जाएगा, 15 के बटे में 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया, 4 से 16 जा रहा है, 4 × 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 4 = 60। ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। तो x कहाँ है हमारा, ये 60। तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या होगी 60। आप 60 को लेकर भी कर सकते, अब आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। इतना करने की बजाय आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे कि इनमें से एक ऑप्शन उठाया और उसको संख्या के हिसाब से रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, यहाँ पर मैंने 60 उठाया, तो 60 का 2/3 लेना है और बराबर रखना है, उसके बराबर क्या रखना है, 60 का 40% 40/100 और प्लस 16, ये वाली इक्वेशन आप लोगों को सोल्व करना है, तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो आपको क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोशिश कीजिए
कि ये क्वेश्चन आप बनाएं अपने आप से और इसको सोल्व करें। तो मैथ्स क्या है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करने से आता है, और जिन लोगों की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो उतना ही इस सब्जेक्ट में उतना ही मार्क्स निकालेंगे यहाँ पर। पर सबसे अच्छी बात है मैथ्स की कि मैथ्स में क्या होते हैं कि सारे के सारे नंबर्स आपको मतलब चांस ज़्यादा रहते हैं सही होने के, और इसमें नंबर मिस होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन सही है यानी बिल्कुल राइट है तो राइट है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है 5, 7, 13, 0 और 15 का औसत क्या होगा। अब औसत का क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, तो औसत क्या होता है, औसत होता है, औसत आपने पढ़ा होगा, तो औसत यहाँ पर देखते हैं कि औसत सभी संख्याएं जितनी भी होती है सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय संख्याएं, कितनी संख्याएं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बताओ मुझे कितना सभी संख्याओं को जोड़ लिखना है अपने, यानी 5, 7, 0, 13, 13, 13, 0 और 15 का आपको जोड़ निकालना है, और कितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याएं, तो 5 संख्याओं का भाग लगाना है। कितने हैं तो देखो 7 और 5, 12, 12 दूम 24, 25, 25 और 15 कितना हो जाएगा आपका 25, 5, 30, 10, 40, है ना। तो कितना हो गया है आपका 40/5। तो 5 का भाग लगा देंगे हम, कितनी बार जाएगा 8 बार, और यही इसका औसत है, 8 इसका औसत है, ये अपना डी वाला आंसर होगा। तो जब भी औसत वाला क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चनों में पहले जितनी भी संख्या है उन संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्या करना है, जितनी संख्या है उन संख्याओं का भाग लगाना है, वही उसका औसत होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक एज से रिलेटेड, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन एज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो मेनली आपको सजेस्ट है कि आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आना चाहिए, तो मैं इसीलिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो इसे क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है देखते हैं। एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद माँ अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, तो बेटी की आयु अभी कितनी है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चन करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी है, तो किसी भी एक की आयु आपको क्या करना पड़ेगी, यहाँ पर सजेस्ट करना पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर मान लो बेटी की आयु मानी कि बेटी की आयु एक से कितनी है, 1 से, तो माँ की आयु कितनी होगी, बेटी की आयु 1 से है, तो बेटी की आयु की 3 गुनी किसकी है, माँ की आयु है, तो माँ की आयु हो जाएगी यहाँ पर 3x। क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि इसकी 3 गुनी, अगर मैं पूछूं कि मेरी आयु 10 वर्ष है और मेरी माँ की आयु 30 वर्ष है, तो मेरी माँ की आयु कितनी होगी यहाँ पर 3 गुना, तो 3 का क्या करना है आपको, यहाँ पर गुणा करना है सीधा ऐसा। अब 10 वर्ष बाद देखो, यहाँ था सिर्फ इतनी आपको, इतनी सी लाइन को आपको ध्यान में रखना, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद अगर मैं कहूँ कि मेरी आज आयु 10 साल है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर 10 ऐड हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, बेटी की आयु में 10 साल जोड़ दें और माँ की आयु में भी 10 साल जोड़ दें, तो इनकी आयु 10 साल बाद क्या हो जाएगी, x+10, बेटी की और माँ की आयु हो जाएगी 3x+10। दैट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया गया कि हमने ये मान किस तरह से रखा। अब आगे आता है आपका मेन क्वेश्चन, अब 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद ये हुआ कि अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, कौन, माँ, तो बेटी की आयु बताना आपको, तो माँ क्या हो जाएगी, 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माँ का रेशियो हो जाएगा 2 और बेटी का रेशियो हो जाएगा 1, ये आपको देखना, क्योंकि माँ कितनी हो जाएगी, 2 गुनी बड़ी हो जाएगी बेटी से, अगर बेटी 10 साल की है तो माँ कितनी हो जाएगी, 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, 20 साल की। तो यहाँ पर रेशियो इस तरह से रखा। अब मैंने बताया आपको अगर इक्वल है, अगर ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो आपको अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करना है, x+10 में किसका गुणा होगा, 2 का गुणा होगा इसका, और इक्वल 3x+10। अब क्या होगा यहाँ पर,
इक्वेशन को सोल्व करते हैं आगे, तो जो 2x प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा इजिकल टू 3x प्लस 10। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा क्या करा हमने, यहाँ तक तिरियक गुणा किया इनका और इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को इक्वल इधर रखा और इक्वल के इधर रखा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं इधर करवा रहा हूँ, आपको यहाँ पर स्पेस कम पड़ गई है हमें, तो यहाँ पर देखें 2x हैं और 3x हैं, तो x x की वैल्यू एक तरफ आ जाएगी, तो ये 2x उधर चला जाएगा उठ के, तो 3x में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, एक x बचेगा, और ये जो 10 है उठ के इधर आ जाएगा इस वाली इक्वेशन के इधर, तो क्या हो जाएगा आपका, x इजिकल टू 10 हो जाएगा ये आपका, क्योंकि देखो 3x 2x उठ के उधर गया, तो एक 3x में से 2x चला जाएगा, तो एक x बचेगा, और ये 10 उठ के इधर आ जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा, तो 10 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पर, 10। तो x की वैल्यू 10 निकल के आएगी, तो x क्या थी हमारी, बेटी की आयु थी, और यही पूछा है कि बेटी की आयु अभी कितनी है, अभी कितनी है बेटी की आयु, अभी बेटी की आयु है 10 साल, इस हिसाब से माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना यानी 30 साल। बट अगर ऐसा पूछा जाता क्वेश्चन में कि 10 साल बाद बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 10 साल तो अभी वर्तमान में है, और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एज से रिलेटेड, तो आपको एज से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको इस तरह से इस पैटर्न से भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो वेरी IMP क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में जिस तरह से पैटर्न में दिया है उसी पैटर्न में आपको सजाना है इसको। यहाँ पर दे रखा आपको x का 45% यानी 45% को ऐसा लिख सकता हूँ 45/100 प्लस 450 का कितना है 15% यानी 15/100 इज इक्वल टू 600 का क्या है यहाँ पर 30%, 600 का 30/100। ठीक, तो x का मान निकालना है आपको, निकालना है x का मान, कैसे निकालेंगे x का मान, अब जितनी भी इक्वेशन आपको दे रखी है उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, देखना है कि ये इक्वेशन किस तरह से आपको सोल्व होगी। तो x का यानी 45x इजिकल टू 100 प्लस, अब देखो 15 का गुणा करना है आपको 450 में, कितना आ जाएगा 450 गुणा 15 15 75 सात 15 4 60 और 7 67 6750 बटे में 100। अब इधर 600 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 2 12 36 18 20 ये लग जाएगी आपकी, ये 18000 बटे में 100। एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो गई। अब आगे वाली स्टेप में देखना, आपको x की वैल्यू एक तरफ और बाकी वैल्यू एक तरफ हो जाएगी। अब यहाँ पर 45x एक तरफ हो जाएगा बटे में 100 है आपके इजिकल टू, अब ये उठ के इधर चला जाएगा 18000 बटे में 100 माइनस 6750 बटे में 100। ठीक है, जब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हो तो ये अभी भिन्नात्मक क्वेश्चन हो गए, अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होगा, जब क्या होगा हर समान हो तो क्या हो जाते हैं, अंश आपस में जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, जो भी चिन्ह वहाँ पर लगा होता है। तो यहाँ पर यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं। तो 45x बटे में 100, ठीक है, 18000 में 6750 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 8000 में से 6750 माइनस हो रही है, तो 1200 ये बच जाएंगे आपके 11250 बटे में 100। ठीक है, आगे इधर सोल्व करते हैं। अब देखो ये 45x है, 45x 100 उठ के उधर चला जाएगा, या 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये गुणे में है, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर बचा आपका 11250, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 11250 बटे में 45। ठीक है, कितनी बार जा रहा है x, ये जा रहा है आपका 250, तो x की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पर 250। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन है, आपको जैसा पैटर्न दिया गया है इस तरह से पैटर्न में आपको लिखना है, लिखते
लिख के आपको पता होना चाहिए कि अब आपने भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा अगर आपने सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो मैंने इस पे एक वीडियो डाली है, उस वीडियो को आप देखें जरूर। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि भिन्नों को जोड़ और घटाने में, तो ये इसके लिए आपको एक वीडियो ऑलरेडी दे रखी है मैंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होगा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंजलि ने, ठीक है थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहा हूँ मैं, अंजलि ने 850 रुपए में एक साइकिल खरीद कर 930 रुपए में बेच दी, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए, है ना। ये लॉस एंड प्रॉफिट वाले क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी एग्जाम पर्पज से, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रतिशत लाभ निकालिए, प्रतिशत हानि निकालिए, विक्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पूछा है सबसे पहले वो ध्यान रखना, क्या पूछा है यहाँ पर, उसके लाभ का प्रतिशत बताना आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि खरीदी कितने में और बेची कितने में, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य क्या है, यानी किस अंजलि ने कितने रुपए में खरीदी यहाँ पर साइकिल, 850, जो खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य होता है जो जिस पर वस्तु बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य क्या है आपका यहाँ पर, 930 रुपए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को अगर, दोनों का डिफरेंस निकालें, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएं, तो क्या निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा, लाभ या हानि। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या निकल के आएगा आपका, लाभ, और विक्रय मूल्य अगर छोटा है तो क्या निकल के आएगा, हानि। तो यहाँ पर 930 में से 850 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 50 और 30 80, तो 80 रुपए क्या है आपके, आपका लाभ हुआ, लाभ 80 रुपए का हुआ, क्योंकि 930 रुपए में आपने क्या करी, बेची, और 850 रुपए आपने खरीदी, तो 80 रुपए का आपको लाभ हुआ। अब ये तो पता है कि 80 रुपए का लाभ हुआ, पर क्वेश्चन में पूछा है कि आपको प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ जब भी आपसे पूछे, तो हमेशा लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य पे लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है आपका, 850, और 850 रुपए पे 80 रुपए का आपको लाभ हुआ, इनटू 100। जब भी आपसे पूछे कि प्रतिशत लाभ, तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य क्या होगा आपका, नीचे लिखा आएगा और ऊपर आएगा आपका लाभ। अब यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, आपका क्या आ रहा है, आपका 10 से 10 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर इसको मैं आगे सोल्व करवा रहा हूँ, 800 / 85, ठीक है। हाँ, एक इससे जा रहा, 5 से कैंसिल करते हैं इसको, आपका बचेगा। तो ये पहला आंसर आपका यहाँ पर सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज लाभ, अगर यहाँ तक भी, अगर ऑप्शन यहाँ तक है तो यहाँ तक भी सही है, आगे भी ऑप्शन है तो आगे भी आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है आपका, 1800 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, बनते ही हैं, क्वेश्चन तो बनता ही है, सिंपल इंटरेस्ट से बनेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट से बनेगा। तो दोनों चैप्टर आपके बेसिक तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह का ही लिया है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपको, कि यहाँ पर बताना आपको 1800 रुपये 10% के लिए दिए हैं, तो 10 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि मूलधन कितना है, यहाँ पर मूलधन है 1800 रुपये, और दर दे रखी है यहाँ पर 10%, और टाइम दे रखा आपका 10 साल के लिए। देखो, एक फार्मूला भी होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा बटे में 100। तो देखो यहाँ पर 1800 रुपये पर कितना ब्याज, 10%, यानी 10/100 कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। बस यही आपको सोल्व करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा आपका, 1800 रुपये ब्याज, यानी जितना मूलधन है उतना ब्याज हो जाएगा 10 साल में, ठीक है। तो आपका बी आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पूछा है आपसे, इस तरह से और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, किसी में समय नहीं दिया जाएगा, किसी में आपको दर नहीं दे रखेंगे, किसी में मूलधन नहीं दे रखेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, और ब्याज साधारण ब्याज, तो कितनी क्वांटिटी, 1 2 3 और 4, चार में से आपको तीन चीज़ें दे रखेंगी और एक चीज़ें मिस कर देंगे। तो आपको इस तरह से फार्मूले में रखकर भी आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे जितने मूलधन पे जितना परसेंटेज ब्याज दे रखा है उतना निकाल के आप आंसर ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी घन का किनारा दुगना कर दिया जाए तो आयतन कितना हो जाएगा। ये 2D और 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे तो क्वेश्चन बनता ही है, एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से बनता है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस पे
बनाता है। 2D और 3D, टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल वाले चैप्टर से आपका बनेगा। तो क्या करना है अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है आयतन किसका, किसी घन का किनारा दुगना कर दिया जाए। अब घन का, घन किस तरह से होता है, इस तरह से घन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपको। घन कुछ इस तरह से दिखता है और इसका क्या होता है, किनारा L होता है। कितना होता है, L। तो यहाँ पर किनारा इन्होंने क्या कर दिया, किनारा L है। अब इस किनारे को इसने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, दुगना, तो 2L हो जाएगा। तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, यानी अब आयतन कितना बड़ा हो जाएगा, अगर इसको दो गुना बढ़ा दिया जाए, इसका इसकी साइज दो गुना बढ़ा दी जाए, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, क्योंकि आयतन क्या होता है, किसी भी घन का आयतन होता है एल क्यूब, है ना, भुजा का क्यूब। अब एल क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पर एल कितना आपका 2L, क्योंकि दुगना कर दिया आपने किनारा, तो इसका क्यूब करेंगे तो 2L, तो का क्यूब कितना होता है 8L³। यानी अब घन कितना हो जाएगा आपका, 8 गुना बढ़ जाएगा आयतन, घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा आपका, दुगना। एक किनारा अगर दुगना करते हैं तो घन का आयतन 8 गुना हो जाएगा, तो आंसर होगा अपना 8। क्योंकि इसमें गलती क्या होती है कि अगर किनारा दुगना कर दिया जाए तो आयतन भी हो सकता है वो दुगना हो जाए, ऐसी गलती मत करना। इसको सोल्व करना है, पता होना चाहिए आपको फार्मूले सारे, ये सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप कॉपी में एक बार, दो बार या तीन बार उनको लिख लिख कर याद करें। तो ये हमने 15 क्वेश्चन की एक सीरीज थी, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी और भी इस तरह की सीरीज हम ला रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिले क्वेश्चन में और आपको पता चले कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं और हाँ आपको क्या आता है। तो अभी हमारे पास समय है, जितना भी अभी परीक्षा के लिए, उस समय का हम सही से यूटिलाइज़ करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।